Good morning, students. So today we are not going to start any lesson. Today is our revision day, as you all are going to have your PA 2 exams. Okay. So today we are going to discuss about the people as resources. Before this we have to talk about something of examination. आपके जो है वन वर्ड वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपके लिए वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन आएंगे. सोशल साइंस की बात हो रही है, ठीक है. तो सोशल साइंस में आपके जो है वो एटलीस्ट 3 लाइन आपको डेफिनेशन जैसे क्वेश्चंस भी आएंगे. ओके. सो आपके अगर छोटे क्वेश्चन है तो उसमें डेट्स हैं, एब्रीवेशंस हैं, फुल फॉर्म्स हैं, ऐसे भी हैं और डेफिनेशंस भी हैं, तो आपको उसको वैसे ही करना है. तो ये बिल्कुल छोटे वाले नहीं है, या एमसीक्यूज नहीं है, या वन वर्ड नहीं है, ठीक है. दूसरी बात ये है कि पिछली बार जैसा नहीं है बेटा. पिछली बार क्या हुआ था, जो आपके होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, जो मैंने क्लास में अंडरलाइन करवाए थे, ये क्वेश्चन वैसे नहीं होंगे. ये क्वेश्चन जो है वो वैसे है जो आपको हर चीज पढ़नी है. आपको थोरोली पूरा लेसन जो है रीड करना होगा, और रीड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपने क्वेश्चंस हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस करके लर्न करने होंगे. ओके. सो यू हैव टू गो थोरोली विद दिस. देन वी आर गोइंग टू सी दिस पीपल एज अ रिसोर्स. तो इसका ओवरव्यू जो है वो आप अनदेखा ना करें. ओवरव्यू इज वेरी नेसेसरी. You have to go through with the overviews, okay? क्योंकि overview में आपको पता चल रहा है कि people as a resource है या people as a liable है, वो किस चीज पर depend करता है. बहुत important है, आपको ध्यान में. Then population के negative और positive both aspects आपको ध्यान में रखने. Gross national product जो है वो आपको क्या करना है, learn करना ही है. इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ कैसे प्रोडक्टिव बनाता है ह्यूमन को, वो भी देखना है. एक प्रोडक्टिव ह्यूमन और एजुकेटेड ह्यूमन जो है वो सोसाइटी के लिए और दूसरे सिस्टम के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है या हेल्पफुल होता है, सब एक एक लाइन के आंसर है, आपको आना चाहिए. शाकाल और विशाल की कहानी, विकास की कहानी में क्या चीजें हैं वो सारी आनी चाहिए. एक एक किरदार का क्या रोल है वो भी आना चाहिए. तो उसकी वाइफ कौन थी, वो क्या करती थी, या उसकी माँ कौन थी, वो क्या करती थी, हर चीज. इसके अलावा जैसे मैंने कहा था एजुकेशन, एजुकेटेड पेरेंट्स के बारे में, तो एजुकेटेड पेरेंट्स सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए कैसे असर्ट होते हैं, यूजफुल होते हैं. इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में मैंस और वुमेन्स का क्या डिफ्रेंशिएशन है, कितने प्रकार के सेक्टर्स हैं और एक्टिविटीज कैसे वर्क करती है, सारी चीज आपने पढ़नी है और याद करनी है. देन आपका है फीमेल्स रोल इन द फैमिली, ओके, और वो भी एजुकेटेड होना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. देन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कैसे सपोर्ट करता है, तो वो भी आपको देखना है. एजुकेशन में कई सारे एब्रिविएशन है, वो आपको देखने, और एजुकेशन में कई सारे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, ये पॉलिसीज जो थी वो कौन सी थी, वो आपको देखना है. देन कैरिकुलम में जो मॉडिफिकेशन हुए, क्यों हुए, वो देखना है आपको, लर्न करना है. लाइफ एक्सपेंसी क्या होती है, और अगर हम देखें तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्यों वैल्यूएबल है, क्यों जरूरी है हेल्थ सिस्टम में, वो भी आपको लर्न करना है. हेल्थ जो है उसके अंदर बहुत सारे एब्रीविएशन है, यानी कि बहुत सारे फुल फॉर्म भी है, आपको याद करना है. अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, और अनएम्प्लॉयमेंट के कितने और वेरिएशन है, वो सब आपको देखना है. इसके बाद पेज नंबर 27 में आपके कुछ पॉइंट्स दे रखे, वो जो क्वेश्चन दे रखे वो करने. हर बच्चा मुझे जो है क्वेरी ग्रुप में ही आंसर शीट सेंड करेगा. इमेजेस मैं नहीं चेक करूंगी, नहीं मार्क दूंगी, ना ही मैं इमेजेस की कॉपीज चेक कर रही हूँ. होमवर्क कॉपी अगर इमेज में आ रही है मैं डिलीट कर रही हूँ, मैं ना अटेंडेंस लगा रही हूँ ना हम उनको चेक कर रही हूँ. कारण ये है कि हमें अवेलेबल, हमें आगे पीडीएफ भी चेक करनी, तो हम पीडीएफ ही करेंगे.
देन आप जो है क्वेरी ग्रुप में आंसर सेंड करेंगे, टाइम पे शुरू होगा, टाइम पे खत्म होगा, नो 5 मिनट्स, नो 2 मिनट्स, ये तो बहुत छोटे वाले आंसर्स है, फटाफट करनी है आपने और हो जाएगा, ठीक है। और जब स्कूल खुल रहा है तो अपनी क्वेरीज साथ में लाए। अभी कुछ बच्चे आए थे, जब मैंने पूछा क्वेरीज है क्या, तो उन्हें पता नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि आपकी आवाज समझ नहीं आती, आपका बोलना समझ नहीं आता, आप क्या पढ़ा रही है पता नहीं चलता है, और हाँ आपका हमें समझ नहीं आ रहा। पर जब मैंने पूछा क्वेरीज क्या है, तो वो क्या कर रहे हैं, क्वेरीज ही नहीं पता उन्हें। तो ऐसा नहीं है, जब आप स्कूल आते हैं तो पहले से अपना पूरा स्टफ तैयार कर लेके, हमें ये पूछना है। ओके, तो 10 मार्क्स का ही है, 1 आवर का है, टाइम चेंज हुआ है, मैंने जो सिलेबस में पहले वाले टाइम टेबल से डाला था, मैंने वो बाद में वापस बोलकर भी दे दिया आपको। सो प्लीज टेक केयर, एंड पर नेक्स्ट वीडियोस में जरूर नेक्स्ट लेसन ज्योग्राफी के उस पर डालूंगी, वाइल्ड लाइफ के। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।